उत्तर प्रदेश पुलिस अपने विवादों को लेकर लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। बरेली की घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा ने नो पार्किंग में बाइक खड़े करने वाले युवक पर जमकर बरसे। बीच सड़क पर दरोगा ने बाइक मालिक को दिए धक्के। बाइक मालिक लगातार दरोगा जी से विनती करता रहा, माफी मांगता रहा। हद तो तब हो गई जब नो पार्किंग में बाइक खड़े करने वाले युवक ने दरोगा के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन दरोगा जी उसे भी जमकर गाली सुनते रहे, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में दिख रहे हैं दरोगा अपने आप को बता रहे हैं निर्दोष। मुरादाबाद जनपद कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर पर उस समय हंगामा हो गया जब नो पार्किंग में खड़ी बाइक का चालान करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे। पीड़ित ने चालान कर रहे पुलिसकर्मी का फोटो ले लिया तो उस पर पुलिसकर्मी को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने हरिओम चौहान दरोगा जी को बुला लिया। फिर क्या था, दरोगा का पारा हाई हो गया और उन्होंने आते ही बाइक वाले को धक्का देना शुरू कर दिया और उसको जमकर गाली देने लगे। युवक ने अपने साथ हो रही अभद्रता पर दरोगा से शांत करने के लिए माफी मांगी। वो यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो दरोगा जी इतने गुस्सा हो गए, लेकिन दरोगा जी शांत होने को तैयार नहीं थे। आखिर में युवक ने दरोगा जी के पैर तक पकड़ लिए तो कहीं जाकर दरोगा जी को शांति मिली। ऐसा ही हरिओम चौहान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने नो एंट्री में अपनी बाइक लगा दी थी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका चालान किया तो युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस से अभद्रता की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो की जानकारी करने पर वीडियो की सच्चाई का पता चला। वहां मौजूद एक अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिसकर्मी बाइक चालक का चालान काट रहे थे तो उस युवक ने पुलिसकर्मी का फोटो खींच लिया, जिसमें दरोगा जी आग बबूला हो गए। फिर हरिओम चौहान दरोगा जी ने बाइक सवार को जमकर गाली गलौज करने लगे और उसके साथ धक्का मुक्की भी करने लगे। मैं राजेंद्र जैन एडवोकेट। इसमें प्रकरण ये था कि जो एक सिपाही थे वो नो पार्किंग में, यानी कि रोड की तरफ खड़ी हुई दुकानें के जो गाड़ियां थी उनके चालान काट रहे थे। इसी बात पे वो चालान काटने लगा तो वो व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हो रही है वो उनने भी वीडियो बनाना शुरू करी, तो सिपाही ने उसका मोबाइल छीन लिया, उस पर उसने हाथ पकड़ लिया। फिर पीछे से दरोगा आए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और फिर दो बार पैर भी छुए गए, उसके कुछ रुपये भी उठा लिए गए हैं। ये सारी घटनाक्रम जो है वो वीडियो में दिखाई दे रही है। मैं भी उस समय वहाँ पर मौजूद था। कि योगी सरकार, अब योगी जी जगह जगह तो खड़े रहेंगे नहीं, मेन बात है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, पुलिस जो है आपे से ज़्यादा बाहर है, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार कहीं नहीं है सीआरपीसी में या किसी भी सेक्शन में, पुलिस एक्ट में या आईपीसी में, कि वो किसी भी व्यक्ति को मारे। मारने का अधिकार कहीं नहीं दिया, ये तालिबानी शासन नहीं है। तो ये एक दंडिक प्रक्रिया, अगर वो पुलिस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था तो पुलिस को मुकदमा आईपीसी 353 में दर्ज करना चाहिए था और उस पर जो विधिक कार्रवाई बनती वो करनी चाहिए थी, चाहे उसे गिरफ्तार करते, लेकिन मारने जैसा जो अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए था पुलिस को। ये पुलिस आतंक फैला रही है, अपना डर पैदा कर रही है पब्लिक के बीच में, ये गलत है। ये दुर्गा मंदिर के पास है कोर्ट रोड पर। देखिए, पुलिस से तो लोग वैसे ही डरते हैं, सही मानो पुलिस की जो छवि है, आज अगर कोई आदमी पीड़ित होता तो वो सीधा थाने नहीं जाता, वो या तो वकील को ढूंढता या नेता को ढूंढता या रिपोर्टर को या किसी प्रेस वाले को ढूंढता कि मेरे साथ चलो और मेरी जो शिकायत है वो जाके थाने में दर्ज करा दो या कह दो, जो दबंग मेरा शोषण कर रहे हैं उनसे मैं बच जाऊँ। तो अकेले थाने की हिम्मत आदमी यूँ ही नहीं करता, कि पुलिस का भय लोगों में ज़्यादा है जो लोग न्यायिक प्रक्रिया को नहीं जानते, ये बात हकीकत है। और पुलिस हमेशा ढिंगम उस्ती करती है, ये बात भी किसी से छुपी ही नहीं है, चाहे वो अदालत हो चाहे हम पब्लिक। प्रशासन कार्रवाई तो करनी चाहिए, या अनुशासनहीनता है, और अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है पुलिस के अंदर, और जब अनुशासनहीनता होगी तो दिक्कत पैदा होगी अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में।